सब्सक्राइब करें लर्न केमिस्ट्री बाय नेहा इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है वांट ऑफ डायरेक्शन लॉ एंड वांट ऑफ फैक्टर। इस वीडियो में हम वांट ऑफ डाइल्यूशन लॉ एंड वांट ऑफ फैक्टर या कोएफिशिएंट को पढ़ने वाले हैं। वांट ऑफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए या वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन को दिया था। उसके लिए उन्होंने नोट किया या रिसेम्बल किया कि जो गैसें होती है, गैस के समान जैसा होता है या आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है उसी के समान डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बिहेव करता है। कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन एक गैस के समान बिहेव करता है या आइडियल गैस के समान बिहेव करता है। उसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक सॉल्यूशन लिया और एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट लिया और उसको सेपरेट किया बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट कर दिया। एज कि हमने आप ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा है, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्योर सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल्स जाना स्टार्ट कर देते हैं टू सॉल्यूशन साइड, क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर में जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। जब ये यहाँ पे जाते हैं तो उसी टाइम पे सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल क्रिएट हो जाता है। अब ये पूरी प्रोसेस उसी की जैसी होती है जैसे कि अगर हम ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है और गैस के मॉलिक्यूल्स में जो वैक्यूम है वो वैक्यूम की तरफ क्या हो जाएंगे, वैकेंट प्लेस में वैक्यूम के मॉलिक्यूल्स गैसों के बीच में फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर भी अब जो मोशन है पिस्टन का, यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इसके बीच में पिस्टन लगा देते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो प्रेशर क्रिएट होगा इसके कारण वैक्यूम के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे और जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर सेम होता है जितना कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो जो वांट ऑफ था उन्होंने आइडियल गैसेस के समान डाइल्यूट सॉल्यूशन को बनाया बताया कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं और अपना एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट है अ सॉल्यूशन इन अ डाइल्यूट स्टेट बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ गैस, बिल्कुल गैस के समान बिहेव करते हैं कब, जब वो डाइल्यूट होते हैं। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर, प्रेशर के इक्वल होता है विच द सॉल्यूट वुड एक्सर्ट इफ इट वॉज अ गैस, उतना ही होता है जितना कि कोई सॉल्यूट जब गैस हो तब एक्सर्ट करे, उसी के बराबर होता है। आपने क्लास 11th में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, उस आइडियल गैस इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट 0 डिग्री एक्सर्ट 1 atm, मतलब 1 atm पर 1 मोल में 22.4 लीटर्स होते हैं एसटीपी पे। तो यहां पे उन्होंने उसी को सेम बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट डिजोल्व इन 22.4 लीटर वुड एक्सर्ट 1 atm ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रेशर लेते हैं और जो लिक्विड के लिए या डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लिया जाता है वो होता है यहाँ पर क्या कि इसको 1 मोल में ले लेते हैं और जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लॉस की स्टडी की थी वांट ऑफ ने। वांट ऑफ ने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे एट गिवन टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, उसके कॉन्सेंट्रेशन से। सेकेंड चीज, सेकेंड लॉ था ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे गिवन टेम्परेचर और यहाँ पे गिवन कॉन्सेंट्रेशन और अल्टरनेशन है इन दोनों का। अब आपने क्लास 11th में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, यहाँ पे रिसेम्बल किया गया है बायल वांट ऑफ लॉ, जैसे बायल लॉ पढ़ा था आपने वैसे ये बायल वांट ऑफ लॉ है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो है बायल लॉ ये ऑस्मोटिक प्रेशर के फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ है उसको बताता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि पाई जो है वहां पे क्या कर लेंगे, पाई के बाद
प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देंगे। तो कांस्टेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे आर, वैसे गैस कांस्टेंट आर लिया जाता है, वैसे यहाँ पे आर कांस्टेंट ले ले रहे हैं, या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इनटू सी। तो जिसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा पाई अपॉन सी इक्वल आर। इस टाइप से आर की वैल्यू हम ले आएंगे। जो सी होता है आपने पढ़ा हुआ है कि सी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम अब यहाँ आर जो है आर कॉन्स्टेंट है, तो हम वी को शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा पाई वी इक्वल एनआरटी। तो पी वी इक्वल एनआरटी आपका इक्वेशन था, आइडियल गैस इक्वेशन, और उसी की जगह पे पी वी इक्वल एनआरटी की जगह पे क्या लिख दिया है, पाई वी इक्वल एनआरटी। अब आप जानते हैं कि n अपॉन v जो है वो क्या था, n अपॉन v या 1 अपॉन v जो था वो c था। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो और 1 अपॉन v को हम लिख सकते हैं c, तो ये इक्वेशन हो जाता है पाई इक्वल सी आर टी। इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेशंस किए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक जो भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने एक चीज पढ़ी है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। हर एक ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, हर एक जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनसे मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किया गया। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है और एक्यूरेसी नहीं होती है, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला जाता। इससे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऐसे सब्सटेंस को लिया जाता है जिनका बहुत हाई मोलर मास हो या मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि प्रोटीन, प्लास्टिक, प्रोटीन स्टार्च, इन सबके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होते हैं। तो उन्हीं के मॉलिक्यूलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से निकाले जा सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं पाई वी इक्वल एनआरटी। ये हमारा इक्वेशन था पाई वी इक्वल एनआरटी। अब क्या किया है यहाँ पे, आप जानते हैं कि एन इक्वल, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि एन इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स और मोल होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो गिवन मास को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को एम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की जगह पे डब्ल्यू अपॉन एम लिख देंगे। तो डब्ल्यू अपॉन एम आपने लिख दिया इक्वेशन में और फिर हमको निकालना किसकी वैल्यू है, मॉलिक्यूलर मास मतलब एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम को हमने यहाँ ले आए और हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, एम इक्वल डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर या अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा है, वहां पे आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम, या इस यूनिट को हम लिख सकते हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर कैल्विन पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। और टी जो है वो 273 केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और पाई आप जानते हो कि पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कोएफिशिएंट। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड कोएफिशिएंट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी भी चीज का, तो आपको तीन पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए। और इन तीनों को अगर फॉलो करते हैं तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास एक्यूरेट निकाल सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, ये कंडीशन है कि सॉलिड को नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। सेकेंड है द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जो सॉल्यूशन आप लोगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होने चाहिए। थर्ड है द सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब वो जो सॉल्यूट आपने लिया हुआ है, जो भी आपने घोला हुआ है प्योर सॉल्वेंट के अंदर, उसका ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे दो नई टर्म्स आई है हमारे पास, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो होता क्या है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर इमेजिन करते हैं कि कंटेनर हमने लिया हुआ है और इस कंटेनर के अंदर विनेगर या एसिडिक एसिड लिया जाता है। विनेगर जैसे ही वाटर में घुला जाता है तो क्या होता है कि विनेगर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर, जैसे ये दो है तो दोनों आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल जिसको हम डाइमर कहते हैं, डाइमर मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक बन जाता है तो उसको डाइमर कहा जाता है। तो ये जो है डाइमर का फॉर्मेशन करता है। अब इसका जो मोलर मास होता है एक विनेगर का वो होता है 60, लेकिन जब वो डाइमर बना लेगा तो उसका मोलर मास कैसा हो गया, 120। तो जब ये जुड़ गया है तो किसी भी सॉल्यूशन में जब मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है एसोसिएशन, मतलब वो कंबाइन हो गए। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो कि जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है अगर, तो उसको कहा जाता है एसोसिएशन। और इसका अपोजिट अगर टूट जाए,
मॉलिक्यूल्स अपने आयन में टूट जाए, आयोनाइज हो जाए, तो वो कहलाता है डिसोसिएशन। अब ये दोनों किसके लिए होता है, सिर्फ ये ज्यादातर देते हैं कौन, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं, वो अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन को आप समझिए कि जब भी एसोसिएशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। तो जब वो डाइमर बना लेंगे तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट के, वो कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाएंगे। और अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन में जब भी डिसोसिएशन होगा तो सॉल्यूट के पार्टिकल जो रहेंगे वो कंबाइन होने की जगह पे टूटेंगे, तो टूटने पर उनके पार्टिकल्स का नंबर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब डिसोसिएशन में देखो, एक एग्जांपल हमने देखा है, ये अभी एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये CH3COOH है, और ये आपस में जुड़कर यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये मॉलिक्यूल डाइमर के फॉर्म में आ जाता है, ये एक डाइमर बना लेता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 60 और हो कितना जाता है 120, तो इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है, कि होना चाहिए 60 बट उसका कितना हो जाएगा 120, तो इसी को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब डिसोसिएशन में देखो, डिसोसिएशन होने पे क्या हो जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास कम होते चला जाएगा, तो ये एक इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू वॉन्टहॉफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है कंपैरिजन टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम होती है वैल्यू। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वॉन्टहॉफ एक्सप्रेस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए बाय अ फैक्टर नोन एज वॉन्टहॉफ फैक्टर। उन्होंने एक फैक्टर बनाया जिसको वॉन्टहॉफ फैक्टर कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने वैल्यू दी आई इक्वल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी ऑब्जर्व हुई है, एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व वैल्यू अलग हो सकती है और कैलकुलेटेड अलग हो सकती है, तो दोनों के रेशियो को आई डिनोट करेगा, आई से हम निकाल सकते हैं। अब आई इक्वल एक और फॉर्मूला दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल किसका एसोसिएशन हो रहा है, किसका डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब कंबाइन कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं और कितने पार्टिकल टूट रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट में जो थे, जैसे NaCl है अगर, तो NaCl में Na बन रहा है और Cl बन रहा है, तो कितने पार्टिकल यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हैं उनका नंबर, और नॉर्मल स्टेट में क्या था, ये NaCl ही था, तो वो उसके पार्टिकल्स का नंबर। और अब हम ये निकाल किसके लिए रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, तो उसको फॉर्मूले फॉर्म में लिख दिया, आई इक्वल पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, या डेल पी पार्शियल प्रेशर जो था वेपर प्रेशर, डेल पी ऑब्जर्व अपॉन डेल पी कैलकुलेटेड, ये वेपर प्रेशर के लिए हो गया, डेल टी ऑब्जर्व अपॉन डेल टी कैलकुलेटेड, टी जो है दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों को बता रहा है, इक्वल एम ऑब्जर्व अपॉन एम कैलकुलेटेड, क्योंकि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास निकाल रहे हैं, तो मोलर मास को भी यहाँ पे लिया जाएगा। अब इसी एक को हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को ले लिया, आई इक्वल ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला फॉर्मूला, अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ले लिया। अब क्या करने हैं हमको, यहां से कैलकुलेटेड तो हम कर लेंगे कि कैलकुलेशन जो जो हमको वैल्यू दिया है उससे हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मिलेगा, तो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया आई की प्लेस पे और आई को ले गए यहाँ पे, तो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हमारे पास एक इक्वेशन आया आई इंटू कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आई जो फैक्टर होगा वॉन्टहॉफ फैक्टर उसका मल्टीप्लाई अगर आप कैलकुलेटेड में कर देते हो तो आपके पास मिल जाएगा ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर कि कितना ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसी को फॉर्मूले फॉर्म में लिखो, पाई इक्वल आई सीआरटी, कहाँ से आया आपने पढ़ा है अभी, पाई इक्वल होता है सीआरटी, ये वॉन्टहॉफ डाइल्यूशन लॉ से हमने निकाला, तो पाई जो कैलकुलेटेड था वहां पे हमने सीआरटी रख दिया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी सी की वैल्यू आर की और टी की कैलकुलेट करके हम पाई ऑब्जर्व को निकाल सकते हैं। ऐसे ही डेल टीबी के लिए अगर आप निकाल रहे हो, डेल टीबी क्या होता है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे उसका फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे आई इंटू के बी इंटू एम। ऐसे ही डेल
टी एफ के लिए अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे आई इंटू के एफ इंटू एन। इस टाइप से वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वॉन्ट ऑफ डायल्यूशन लॉ हमने देखा, और ये यूनिट जो है इसका लास्ट टॉपिक था, और ये यूनिट इसी के साथ खत्म होती है।